एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और लगभग हर एग्जाम में आता है और हर बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दृष्टि दोष से रिलेटेड है क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है एग्जाम में पूछ देता है, ऑप्शन दे देता है। और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है, ये ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से टिक करना होता है सही ऑप्शन। और मैक्सिमम लोग वो गलत करके आते हैं याद नहीं होने की वजह से, या फिर याद होते हुए भी कन्फ्यूज हो जाते हैं और ऑप्शन गलत टिक करके आते हैं। तो चलिए उसको याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ। हेडिंग है दृष्टि दोष के लिए लेंस का ट्रिक, ठीक है। तो दृष्टि दोष में पहले हम दूर दृष्टि दोष देख लेते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए ट्रिक, दूर दृष्टि दोष के लिए ट्रिक क्या एक बनाया गया है, दूर दूर जैसे बोलेंगे आप, दूर बोलने में क्या हो रहा है, दूर जैसे अगर मैं लिखूं, दूर को लगातार बोलने से क्या आता है, दूर अगर बोल रहे हैं आप तो इसमें बीच में उ आ रहा है, उ आ रहा है, दूर दूर जैसे हो गया, दूर बहुत दूर, ठीक है। तो ये उ आ रहा है, उ से क्या हो जा रहा है, उ से उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। उत्तल को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स इंग्लिश में, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये ट्रिक है दूर दृष्टि दोष का, नाम से ही पता चल रहा है दूर दृष्टि दोष। तो दूर अगर बोला जाएगा, दूर तो दू में दू के बाद र लिखना है, बीच में क्या आ रहा है, ऊ का उच्चारण हो रहा है, तो ऊ से उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस यूज होता है, ठीक है। ये पहली ट्रिक। निकट दृष्टि दोष पे आते हैं। निकट, निकट मतलब पास, आओ पास बोला जाता है, आओ पास। तो इसका ट्रिक, निकट दृष्टि दोष का ट्रिक बनाया गया है, आओ पास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आओ पास। अब ये है निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए ट्रिक है हमारा आओ पास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे आ का यूज हुआ है, आ, तो आ से क्या हो गया, आओ पास, आ, जैसे आप देख पा रहे हैं आगे। निकट दृष्टि दोष के लिए ट्रिक क्या है, निकट के लिए आओ पास, यानी अ से अवतल लेंस, अ यहाँ यूज हो रहा है आओ पास ना, तो अ से हो जाएगा यहाँ पे अ यूज हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल, अवतल लेंस मतलब कि अवतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। अब ये कभी नहीं भूलेगा, याद रहेगा आपको हमेशा। दूर दृष्टि दोष के लिए दूर बोलते हैं, ऊ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए उत्तल लेंस हो गया। और निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट मीन्स पास, आओ पास, आओ तो अ से क्या हो गया, अवतल लेंस, तो आओ अ से अवतल लेंस। तो ये हमेशा याद रखिएगा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है, क्योंकि एग्जाम में हर बार आता है और स्टूडेंट्स हर बार कन्फ्यूज होते हैं।